स्वागत है आप सभी का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे पार्ट का अगला जो टॉपिक है वो है हमारा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा इसकी बनेगी कि किसी, देखो परिभाषा को जैसे औसत तात्क्षणिक चाल की हमने परिभाषा बनाई थी, सेम वैसे ही बनेगी वो तात्क्षणिक वेग की। तो किसी क्षण या किसी, अपन लिख सकते हैं किसी क्षण या निश्चित समय, ठीक है, निश्चित किसी क्षण या निश्चित समय अंतराल या समय में उस वस्तु का वेग ही क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो किसी क्षण या निश्चित समय में वस्तु का वेग, उसको क्या कहलाता है, वस्तु का वेग ही कहलाता है उसका तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना, उसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। और जब भी वेग की बात होगी तो किसकी बात होगी, तात्क्षणिक वेग की बात होगी। तो अपन समय अंतराल ले लेते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी बहुत ही छोटा है यानी कि जीरो की ओर अग्रसर है, तो इसको बोला जाता है गणित में डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सदिश लगाया, सदिश ये दर्शाता है कि ये वेग है, तो इसका सूत्र बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या बता रहा है, समय को। तो डेल एक्स सदिश बटे डेल टी, सदिश किसको बताया, डेल एक्स के ऊपर विस्थापन को, ठीक है, डेल एक्स पे जो सदिश लगाया वो विस्थापन को बता रहा है। तो वी इंस्टेंटेनियस आपके पास आ जाएगा, ये डेल एक्स बदल जाएगा डी एक्स में और डेल टी बदल जाएगा डी टी में, तो आपके पास आ जाएगा वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यही कहलाता है तात्क्षणिक वेग, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स सदिश का मान आपके पास है 3t² + 2t, ठीक है, ये विस्थापन दे रखा है t बराबर 0.2 सेकंड के लिए। इसको अपने को तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो हमारे पास सूत्र रहा है, सूत्र में रखेंगे तो v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या आ जाएगा, डी ऑफ डी टी, एक्स की जगह हम रख देंगे 3t² + 2t। अवकलन आपने पढ़ा होगा, सुनील जी पढ़ा रहे हैं आपको, तो भैया यहाँ से आ जाएगा वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3t² का क्या होगा भाई, 3t² का हो जाएगा 60 प्लस 2t का हो जाएगा 2 और t का हो जाएगा 1, तो 2। अब समय रख देंगे, समय क्या है 0.2 सेकंड t की जगह, तो t की जगह 0.2 सेकंड रखो, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा वी इंस्टेंटेनियस बराबर 6 × t का मान 0.2 + 2। तो इसको हल करेंगे तो 6 को 0.2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये मान आ गया आपके पास तात्क्षणिक वेग का, भाई ये गुणा किया है और ये दो जोड़ देंगे तो 3.2 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से तात्क्षणिक वेग को हम अल्पांश समय के लिए यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, छोटे समय के लिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपका है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है।